हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सुबह सुबह कैसे नज़र आ गई। आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए हमारे साथ, मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगी जो भी मैं अपने पूरे दिन में करती हूँ। और अभी 5 बज रहे हैं सुबह के और मैं उठ के बैठ गई हूँ, मुझे पार्क जाना है वॉक पर, और मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको कि आगे क्या क्या करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो नाउ आई एम बैक एंड अब हम तैयार हो गए हैं पूरे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हम पहले पार्क जाएंगे, उसके बाद हम जिम जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:30, और तो हमने वहाँ पर 2 से 3 घंटा बिताना है। उसके बाद 8:30 बजे से हमारी जिम है, तो फिर हम जिम जाएंगे, ठीक है ना। पार्क है वो हमारे घर से 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन पता नहीं लगता। सुबह सुबह निकल जाते हैं, कोई टाइम पता नहीं लगता। और फिर हम जा सकते हैं, स्कूटी से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्कूटी से जाएंगे तो फिर वॉक कैसे होगी, इसलिए हम स्कूटी का यूज़ नहीं करते, पैदल ही जाते हैं। आप सोचेंगे मैंने अपना इतना ऐसा डेली रूटीन क्यों बना लिया है। इसलिए बना लिया है क्योंकि और मुझे अपना वेट लॉस तो करना नहीं है, मुझे अपना वेट गेन करना है, बिकॉज़ मैं कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ। और मेरा मतलब पूरे दिन घर पर पड़े पड़े लॉकडाउन की वजह से मैं पागल होती जा रही हूँ। बनानास ले लिए हैं, और जिस जगह से मैंने बनानास लिए हैं उसको हमारे यहाँ पर घंटा घर बोलते हैं। यहीं पर सारा सामान मिलता है, वैसे तो घर के पास भी आते हैं, लेकिन अब मॉर्निंग में तो यहीं से लेना पड़ेगा। वैसे तो मुझे खाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे अपना वेट लॉस नहीं करना, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत पतली हूँ, और अगर मैंने वेट लॉस किया तो मैं गायब भी हो जाना है मुझे। तो इसलिए मुझे बताया है कि सुबह मॉर्निंग में उठो, फिर बनाना खाओ। इस वजह से खाती हूँ बस, वरना मुझे कोई शौक नहीं है खाने का, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी ना, तो अगर मैं उनसे सोचूं कि मैं उनसे झूठ बोल दूं और मैं ना खाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती। मैं इसलिए मुझे खाना ही पड़ता है बस। मैं समझ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ या मुझे कोई बीमारी हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिंस की भी ज़रूरत नहीं है, और तो वैसे कोई बात नहीं है, बस अपना रूटीन चेंज कर लिया है मैंने। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी सारे थे मेरे पास इस चीज़ के, इसलिए मैंने ये किया। अब आप सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि अंकल जो हॉर्न है ना, वो मेरे कान के पास से बजा कर गए, तो आपको सुना ही नहीं दिया होगा, तो वही सुना रही हूँ कि अगर जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह अकेले आती हूँ, अकेले नहीं आती, पब्लिक बहुत सारी है, और फिर मेरा शहर है, मैं नहीं आऊँगी तो फिर कौन आएगा। लेकिन मैं अकेले नहीं आती, मैं आती हूँ अपनी दीदी के साथ, जिनको वेट लॉस करना है एंड मुझे वेट गेन करना है। तो आप जानते हैं उन्हें? हाँ, आप जानते होंगे, मिला देते हैं। हेलो, अब वो इतनी देर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जब तक आगे चलते हैं। चलो अब हम खाते हैं बनाना। वैसे तो मैं रनिंग करते हुए जाती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं आपके साथ धीरे धीरे जा रही हूँ, आपके साथ जा रही हूँ। तो ये खुद ख़त्म हो जाएगा आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हुए, मेरे साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हुए मेरे साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना घट गई अभी। मैं आपने देखा होगा इससे पहले वाली क्लिप में, मैं बनाना खा रही थी बड़े स्टाइल में, मंकी ने मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे पड़ गया। अंकल मेरे को समझ में नहीं आया, अंकल बोलने लगे बेटा फेंक दो इसको, मैंने फेंक दिया और बहुत तेज स्पीड में भाग के आ गई। अरे यार, बड़े परेशान कर दिया, अगर वो मंकी मेरे काट लेता तो क्या होता। सीरियस हालत से निकल कर आई हूँ, और अब मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मंकी मेरे दोबारा से मेरे ऊपर हमला करे। तो बड़ी अब चलो, अब पहुँचने वाले हैं, बस आपसे आपके साथ आने का टाइम ही नहीं पता लगा मुझे बिल्कुल भी। पता है हम आज पार्क नहीं जाने वाले थे, क्योंकि रात को ना बारिश हुई थी, लेकिन फिर हमने सोचा, फ्रेंड की भी कॉल आ गई मेरी, क्या नहीं चल रहे हैं, तो फिर इसलिए हमें आना पड़ा।
वैसे अगर एक आध दिन की छुट्टी हो जाती तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन मैं तभी सोचा कि आना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ भी नहीं। पार्क के गेट पे एंट्री ले लिए और अब देखते हैं कि क्या। देखिए पार्क के हालात वैसे ठीक है, हमें लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी और मतलब पानी भरा हुआ होगा सब जगह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। इधर से जंप लगाऊंगी। यू पूरा ज़्यादा वर्कआउट कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। पहली बात, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जो मुझे करने की ज़रूरत पड़े। तो अब ना मेरी दीदी और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, अपना घूम रही हैं, रनिंग कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या करना है, बैठे बैठे सांसें लीजिए जोर जोर से, और कुछ नहीं, बस बैठे रहो। उसके बाद में हम थोड़ी सी बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट भी, क्रिकेट आज हमने नहीं खेला, वैसे हम लोग खेल लेते हैं। हम अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फॉलो करते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, हम रूटीन से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ड्रैगन फ्लाई है वो, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। तो गाइज़ ये है मेरा छोटा भाई जो कि आप देख सकते हैं कितनी हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी बॉडी ये आज ही बना लेगा। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि कंटिन्यू, मतलब बिल्कुल भी जगह ही नहीं मिलती कि आप ही एक्सरसाइज कर सके, वैसे ही यहाँ पर इतने लोग होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली जिम जाते हैं। When you call my line, who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. हाँ जी, नाउ वी आर बैक एंड अब हम जा रहे हैं जिम। तो हमें बहुत ज़्यादा पैदल चलना है, चाहे तो हम ई रिक्शा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ क्या क्या करेंगे। Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Oh,